कथा कहानियों और साहित्य के रचयिताओं, शेरों शायरी से अंतर्मन को झंकृत करने वाले शायरों के साथ अभिनय का जलवा बिखेरने वाले कलाकारों ने अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। साहित्य की चर्चाएं किताबों से निकलकर पाठकों के बीच पहुंची। फेस्टिवल में कहीं बापू की गांधीगिरी के किस्से फेस्टिवल में कहीं बापू की गांधीगिरी के किस्से गूंजे तो कहीं साहित्यिक रचनाओं से लेकर ठेठ मारवाड़ी कथाओं और दिलो दिमाग को छूने वाले सूफी मत का पैगाम गूंजा। आम लोगों में देश दुनिया में छाप छोड़ने वाले गीतकारों, कलाकारों, लेखकों, साहित्यकारों और शायरों को विषयों का विश्लेषण करते देखा और सुना। फेस्टिवल में शिरकत करने आए फिल्म गीतकार डॉक्टर इरशाद कामिल के अनुसार अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन साहित्य लेखन और पठन पाठन की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। अजमेर आके मैं दूसरी बार अजमेर आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमेशा अजमेर आके, और क्योंकि ये बड़ा सूफियाना किस्म का शहर है, इसकी संस्कृति अलग है, मोहब्बत है हवा में, एक हकीकी मोहब्बत जिसे कहते हैं। आज का विषय साहित्य, समाज और सिनेमा का विषय था, तो सिनेमा किस तरह से समाज के साथ जुड़ा हुआ है, साहित्य किस तरह से जुड़ा हुआ है और साहित्य और समाज में किस तरह का एक तालमेल है, वो सारी चर्चा में था। मेरे साथ जयप्रकाश चौकसे साहब थे और राजीव पॉल थे, तो अमित टंडन थे, वो सब एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिलचस्प किस्म की बातचीत थी। फेस्टिवल में शिरकत कर रही सभी हस्तियों का मानना था कि शहर की धार्मिक और शैक्षिक पहचान को साहित्यकार, लेखक और नौजवान ही कायम रख सकते हैं। साहित्यिक गतिविधियों से लिखने पढ़ने के साथ साथ अनुभवी लोगों के विचार जानने का अवसर मिलता है। ये मेरा पहला मौका है अजमेर के इस लिटरेरी फेस्टिवल में आने का। साहित्य का मंच था, बातचीत पत्रकारिता पे हुई, कुछ मेरे साथ अपने मेरे जीवन के बारे में गुफ्तगू हुई, तो उसका बड़ा फायदा हुआ क्योंकि कई सारी बातें आपके बारे में लोग जानते हैं या ये कहिए फैला दी जाती हैं, भ्रांतियां होती हैं, तो उसको भी समझाने का मौका मिलता है, उसको भी क्लैरिफाई करने का मौका मिलता है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा था और इंतजाम बहुत बढ़िया थे इस फेस्टिवल के। उम्मीद करूंगा कि वापस मौका मिले तो जरूर आऊंगा वापस यहाँ पे। मेरे दो सेशंस थे तो मेरे तीन सेशंस, लेकिन एक के लिए मैं नहीं उपलब्ध हो पा रहा हूँ। दो थे, एक वैश्विक पत्रकारिता पर चर्चा हुई, ओम थानवी विनोद शर्मा मेरे साथ थे, बढ़िया चर्चा हुई, और एक खास तौर पर सिर्फ मेरी बातचीत थी, मुझसे अकेले बातचीत थी, गुफ्तगू करके सेशन था, और उसमें आनंद आया क्योंकि हम लोग अक्सर सवाल पूछते हैं तो आपसे जब सवाल पूछे जाए तो उनका जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मजेदार था, बहुत मजा आया। ऐसे मैंने कहा कि कुछ भ्रांतियां होती हैं आपके बारे में, कुछ जानकारियां लोगों को नहीं होती हैं, तो वो सब बताने का मौका वो सेशन था जो खास तौर पर मेरे साथ इन लोगों ने किया। फेस्टिवल के दूसरे दिन मेरवाड़ा स्टेट पर अलग अलग सत्रों में ओम थानवी, राजीव पॉल, जयप्रकाश चौकसे, डॉक्टर इरशाद कामिल, तुषार गांधी श्रोताओं से रूबरू हुए। फेस्टिवल का समापन शनिवार दोपहर होगा। मैं इस फेस्टिवल को देश का एकमात्र हिंदी का फेस्टिवल ही नहीं बनाना चाहता, मैं इस फेस्टिवल को पावन और पवित्र फेस्टिवल भी बनाना चाहता हूं। शायद पावनता, पवित्रता समय लेती है और उस समय को कम से कहीं संप्रेषण होने में हो सकता है हमारी कमियां रही हो, लेकिन ये तय है कि आकर्षण के वो लोक लुभावन उपकरणों से बचना चाहते हैं। हम विमर्श की बात करते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ हमारा उद्देश्य विमर्श है, विमर्श धीरे धीरे पहुँचता है लोगों तक। एक मोटी सी, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि आप कोई सस्ती चीज़ बेचने चले जाइए, एक समोसा कचौड़ी पर भीड़ हो जाती है, आप अगर अच्छी चीज़ बेचेंगे तो उस पर कम लोग आएंगे लेकिन क्वालिटी लोग आएंगे। हम क्वालिटी, लोगों को क्वालिटी बनाना चाहते हैं। ये बात सच भी है, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि साहित्यिक परिदृश्य पिछले दो दशकों में, 20 वर्षों में कहीं हाशिए पर आया है, और उस हाशिए को मुख्य धारा में लाने के लिए ही ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इसलिए हमें धारा के विपरीत चल रहे हैं, समय से जूझना होगा, आप सब लोगों से जूझना होगा, उसमें शब्द के सभी सिपाही, आप सब, हम सब साथ रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा।